वेलकम और वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड अभी हम सूट करके फ्री हुए हैं एंड दोपहर के बज रहे हैं 2, तो हमने सोचा कि हम डेली मेकअप वगैरह करके ना लिटरली थक जाते हैं। जब त्यौहार का समय आता है ना तो अंदर से थोड़ी थकान सी और फेस में वो चीज़ दिखती नहीं, दिख रही क्या? तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सैलॉन, सब लोग जा रहे हैं, मतलब मैं, मम्मी, जयश्री, जया कोचिंग में, वो होती तो उसको भी लेके जाते, बट ठीक है उसको किसी और दिन लेके चलेंगे। बट अभी हम सभी लोग जा रहे हैं स्किन केयर के लिए, तो जाकर के कुछ कुछ सर्विसेज लेंगे, वो आपको खैर वहीं पर पता चल जाएगा कि क्या करवा रहे क्या नहीं। तो हो जाएगी दिवाली की तैयारी एंड दिवाली के बाद आने वाला है इनका बर्थडे, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी जाएगी। भाई उनका बर्थडे तो मेरा चमकना जरूरी है ना। सही बात आपके चमकने से मेरे अंदर चमक आती है इसीलिए मैं जा रही हूँ फेशियल करवाने। उसके बाद फिर आपका भी टर्न लगेगा, फिर आप जाएंगे, आप जाएंगे वेडनेसडे को है ना, जाएंगे ना कहाँ ऐसा हो तो ये मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है यार। टाइम किसी के पास नहीं है, मेरे पास पता है कितना प्रेशर आ रहा है, आपको तो पता है कि ये साड़ी वो साड़ी। हाँ पर जिस टाइम पर आप जाने के लिए बोल रहे हो उस टाइम पर कैसे जा पाएंगे? सोचिए फेस्टिवल है तो उसकी तैयारी करना है, शॉपिंग करना है, घर को सजाना है, सब चीज का टाइम निकल आएगा, देखेंगे, जाना तो पड़ेगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं है ना। बाय जयश्री, अच्छे से रहना। अभी हम लोग जस्ट शूट करके फ्री हुए हैं, देखिए इनका भी, इनको अभी शूट करना था अनबॉक्सिंग। अभी जब मैंने ग्रे वाली साड़ी का डाल दिया है, अभी ग्रीन साड़ी का नहीं डाला है ना। कल मैंने जो पिंक साड़ी वेयर करके रखी थी इतनी प्यारी लग रही थी, उसके वीडियोस इतने प्यारे बने हैं ना, देखिए उसमें से भी वीडियोस वायरल होंगे बहुत सारे। हाँ मैं कुछ बताती हूँ आपको फ्रंट कैमरा के लिए। हम क्या बता रहे थे, कल जैसे ही हम रील शूट कर रहे थे ना, देन उसके बाद तुरंत हमने कुछ ही शूट किए होंगे, हार्डली 2-3 शूट किए थे, और उसके बाद अचानक से ही इनको बहुत तेज चक्कर आ गया। और चक्कर आ गया तो इस कदर का चक्कर था कि उनको मैं बिल्कुल ऐसे हक करके धीरे 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 करके लाकर यहाँ पर बैठाया कि क्या हो रहा है, मतलब पूरा ब्लैंक, मतलब ब्लैक ब्लैक दिखने लगा था मुझे एकदम से। फिर हम लोगों ने जल्दी से पैर और हाथ में एक्यूप्रेशर किए, मम्मी, जयश्री, मैं, हम लोग सभी लोग, जया ने जल्दी से कॉफ़ी बनाकर लेकर आई, इन्होंने पिया, उसके पहले नमक शक्कर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो लगता है ना एकदम वाला बीपी जो था ना एकदम से जैसे लो होता है, जैसे धीरे धीरे करके होता है तो समझ में आता है, एकदम से लो हो जाता है इनका। और ये चीज़ काफ़ी टाइम के बाद हुई है, कई बार तो ऐसे भी हुई है कि मैं, हम दोनों ही रहते थे तब होती थी, तो मैं घबराता नहीं हूँ ना, मैं, मुझे पता है कि मैं घबराऊंगा तो फिर कैसे संभालूंगा, और पता है कि हम कर सकते हैं उस चीज को, कर लेते हैं। पक्का आप घबराते नहीं है? नहीं, मुझे ही पता है कि मैं हूँ तो मैं कर लूंगा। तो ऐसी सिचुएशन से गाइस, मतलब इतना थक जा रहे हैं, इतने टायर्ड हो रहे हैं, और उसके बाद नहीं, सुनिए अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, कम से कम 1 घंटे तक इन्हें टाइम लग गया होगा पूरी मतलब तरीके से नॉर्मल होने में। उसके बाद फिर शूट किए हैं शूट किए हैं, देन उसके बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर शूट किए हैं, क्योंकि कैंडल्स वगैरह थी और फिर दिवाली भी पास आ गई, तो फिर लोगों के पास डाइवर्ट होने में टाइम लगेगा, तो फिर हमने फिर कैंडल वाला शूट किया, मतलब 12:30 बज गया था हमें कल शूट करते करते। और जिस हिसाब से इन्होंने कल अपना मेकअप किया था, तो इनका मतलब हमारी यही प्लानिंग थी कि हम लोग 2-3 शूट निपटा लेंगे, रात में 2:30-3 बजे तक भी करेंगे तो भी चल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा लेट भी होगा, पर फिर भी इस टाइम पर हम लोग अर्ली मॉर्निंग भी जल्दी उठ रहे हैं, मतलब हमने हमारा अब रूटीन थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब नींद खुली जाती है ना 8 बजे के आसपास, तो 7 से 8 के बीच में नींद खुल जाती है, 9:30 बज जाते थे उठने में, तो अभी ऐसा लगता है कि 7:30, मतलब हम जल्दी उठ रहे हैं, और मतलब हम अपने से नहीं उठ रहे हैं, पता ही नहीं क्यों नींद ही खुल जाती है इस टाइम पर, पूरी हो रही है, इस समय हम लोग थक जाते हैं ना, तो एकदम से जाते बेड पर और एकदम सो जाते हैं, तो फोन चलाते फोन स्क्रॉल करते रहता हूँ, अपनी वीडियोस स्क्रॉल करते रहता हूँ, कभी कुछ ऑर्डर करना रहता है, जैसे दिवाली का टाइम है तो सोचते हैं कि यार कुछ ऑर्डर कर लें,
अमेज़न वगैरह से, ताकि टाइम टाइमली आ जाए, तो घर भी डेकोर होता रहे और हम लोग भी अपना काम करते रहे। तो वो करते करते मैं सो जाता हूँ, ये फ़ोन लेके रख के फिर ये सोती, ऐसा हो अरे हाँ, जाता है। मुझे एक चीज़ याद आई, अभी एक ऑर्डर डिलीवर्ड होने वाला है, हम लोग चले जाएंगे, फिर कहाँ होगा, ऑफिस में रखवा देंगे, कौन सा ऑर्डर? कुछ आने वाला है, मैसेज आया था। अमेज़न? मेरे अमेज़न? में मैसेज क्यों आएगा अमेज़न का? अच्छा, तो ऑफिस में करवा देंगे बोल कर, है ना? तो ऐसे ऐसा हाल है गाइस, मतलब कि अब तो खुद का भी ऐसा हो जा रहा है कि कभी भी बीपी लो और चक्कर तो आते, हमने क्योंकि ये वर्कलोड डिसीजन बहुत लिया ज्यादा है है। कि अभी हम एट प्रेजेंट वाले जितने भी कोलैब्स हैं वो नहीं लेंगे, सब बाद वाले जो थोड़े बाद रहेंगे में लेंगे, ना बिकॉज अभी उसके लिए, बहुत क्योंकि ज्यादा, बहुत मतलब सारा है, डेली कर रहे हैं ना, फिर भी वो कम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा बढ़ते है। जा रहा है, रोज आ जाते हैं, रोज आ जाते हैं यार। फिर भी कुछ मतलब पेजेस हैं जिनके साथ मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो मानते नहीं है, बोले भाई मुझे आपसे कराना है, आपको तो करना पड़ेगा भाई, मतलब फिर उसके लिए फिर लगता है अच्छी कि बात है, हाँ अच्छा भी लगता है कि अच्छा भी यार लगता है। उन्हें रिस्पांस अच्छा जा रहा है तो वो बार बार हमसे करवा रहे हैं। मतलब हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये एक हमारा जॉब है, ठीक है, जो हमें करना ही करना है। हम पूरी शिद्दत से करने की कोशिश भी करते हैं और कर ही रहे हैं, बट क्या हो जाता है कि इंसान है यार, है ना? ऐसा तो है नहीं रोबोट है कि इसलिए हमने चार्ज एट करें, प्रेजेंट और मतलब 1 वीक के लिए बंद करके रखा है कि अभी हम 1 वीक तक कोई कोलैब क्योंकि नहीं लेंगे, कुछ भी बिकॉज नहीं हो हमें पाएगा। मुझे पता है दिवाली है, उसके बाद फिर बैक टू बैक सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरा बर्थडे भी है, फिर थोड़े दिन बाद जयश्री का बर्थडे भी है, और इसी बीच में एक चीज़ और है, नहीं इसी बीच में नहीं, जयश्री के बर्थडे के के आसपास आसपास ही में। है। हाँ हमारे जो भोपाल नरेश हैं, जो कि आपने हमारे श्याम बाबा को देखा होगा हमारे यहाँ कीर्तन पे, और अभी 100 के सेलिब्रेशन में भी उनका आगमन हुआ था, तो वो प्रॉपर परमानेंट विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में, जो कि बिल्कुल जैसा खाटू श्याम जी में मंदिर है वैसा ही सेम बनाया गया वैसा है। हमारे भोपाल में मंदिर बन गया भाई, और वो भी 13 सीढ़ी वाला ही मंदिर है आई थिंक सो, हाँ, है मतलब ना। 13 सीढ़ी चढ़कर दर्शन करेंगे बाबा के, तो बहुत ही भव्य और बहुत अच्छा मंदिर बना है। तो 19, 20 और 21 तीन वहां दिन पे का वहाँ पर भी अभिषेक है कार्यक्रम है, जिसमें 20 तारीख को ही बाबा का स्थापना हो रही है, वाह यार, जैसे की जयश्री के बर्थडे बर्थडे वाली के थी। दिन। तो 19 तारीख को कलश यात्रा वगैरह है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जरूर हम मतलब सारे सम्मिलित उसमें हो सम्मिलित सबसे। रहे। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है ये, और इसमें शामिल होना भी एक सौभाग्य है और अपने फिर आप हम में। इतना ज्यादा उनसे कनेक्टेड है, जुड़े हुए, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बाबा हैं शुरू से ही, जब से हम लोग मतलब जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, सच में एक अलग ही तो एक अनुभव अलग है। ही अपनापन, एक अलग ही वाइब फील होती है, तो उसमें भी शामिल रहेंगे। मतलब अभी बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि यार अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिले करें, ताकि फिर प्रॉपर अभी जो हमारे ऊपर बर्डन है वो हम बर्डन को कवर अप कर लें। तो मम्मी भी आ गई है रेडी होकर के, और बस अब हम मिलने तो आज सभी लोग होने वाले हैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड पर, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, और मम्मी लोगों को, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इनका ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कितनी देर टिक पाता हूँ, नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए निकल जाऊँगा कहीं बाहर घूमने के लिए। अच्छा अभी हम लोग निकल गए हैं घर से, एंड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टी मिल गई हो। काम से हाँ सच में, इस समय ना जब सूट नहीं करते रहते तब तक ऐसे ही लगता है कि छुट्टी चल रही है, मतलब इस समय वही वही सारी चीजें चल रही है ना, इसलिए शायद, है ना। पर अच्छा है, मजा भी आती है, मजा तो आता है, एंजॉय करते हैं, हमें काम पसंद ही क्योंकि है हमने फील्ड चूज करी है तो खुद अपनी से। पसंद से ही करी है। सही बात है। और इधर बैठी जय शेयर, ये देखिए आज सब लोग जा रहे हैं, और हम लोगों ने जया को भी फोन लगा दिया है ना। जय को भी फोन लगा दिए, हो सकता है तो वो भी वही आ 4 बजे के जाएगी, आसपास तक वही ज्वाइन कर लेगी। वही ज्वाइन कर लेगी, उसको भी बोला कि तुम भी आ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी, वो भी रोज रोज जाती है कोचिंग पढ़ती है। काफी टाइम के बाद हम लोग ऐसे निकल पा रहे हैं ना, बहुत टाइम के लिटरली बाद। बहुत समय बाद। अच्छा है, अपने लिए थोड़ा समय भी निकालना चाहिए। और इस समय की रौनक तो सच में देखते बनती है ना मार्केट दिवाली में, वाइब यानी बेस्ट वाइब, सच में बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट वाइब, बेस्ट वेदर, और मतलब पूरे मार्केट में, रोड में एक अलग ही तरीके की रौनक रहती है। और मार्केट चले जाओ तो माय गॉड, मतलब बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए, बहुत हालांकि जल्दी हमें थोड़ा लेट हो रहा है, बट अब नेक्स्ट वीक जाएंगे दिवाली
दिवाली की शॉपिंग करने और फिर सारी चीजें दिखाएंगे। दिवाली ही है पर दिवाली से पहले हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ सैलॉन में एंड मम्मी और जैसे चल गई हैं फेशियल वाले रूम पे। तो लोगों का हो रहा है फेशियल, यार ये कितना प्यारा लगता है ना, मतलब ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आता लेकिन जब वीडियोस में आता ना तो एकदम 3D टाइप का आता है। पता है क्या ये है ना, ये जो ऊपर झूमर लग रहा है ना उसका नीचे से शॉर्ट हो गया। हां वही तो, वो वीडियोस में ही समझ आता है, वीडियोस फोटोज में अलग दिखता है, है ना 3D टाइप का। तो बस मम्मी लोग करवा रहे हैं वहाँ पे फेशियल। सो गाइस अभी लोग फ्री हो गए हैं फेशियल वगैरह करवा के एंड अभी यहाँ पे हो रहा है लोग का हेड वॉश वगैरह एंड कल इसके बाद होगा हेयर स्पा। तो बस हम लोग वेटिंग में हैं, अजय अभी आ रही है। तो गाइस जया को हमने कोचिंग से सीधा डायरेक्ट के ही बुला लिया है। अब इधर ही आ जाओ। छुट्टिया से ना, चलो बढ़िया। आ गई है अंजय का भी हेयर वॉश स्टार्ट हो गया है और मम्मी का पेडीक्योर फेशियल स्टार्ट हो चुका है और जयश्री अभी उधर हेयर स्पा चल रहा है। जयश्री का गया है जय को भूख लग गई है, ये कुछ कुछ स्नैक्स खा रही है। हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनका हो रहा है पेडीक्योर। तुमको ठंड नहीं लग रही क्या? लग रही है। फिर क्या करूं? फेशियल वगैरह हो चुका है ना आपका? फेशियल हो गया है, स्पा क्लीन में मुझे एचडी भी हो चुकी है, वॉश करना है। ओके। और यहाँ पे बस मैनिक्योर पेडीक्योर होने वाला है, मुझे जैसे का हेयर कट करवाएंगे। इसके लिए तुमको मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा। क्या? इसके लिए तुमको मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा। क्यों? मैंने ही बताया यहाँ पर। सही बात। मम्मी बोल रही थी अभी मुझे वहाँ पर, हाँ ये मतलब
कितने हैं उससे आप लोग वो करते हैं, ऐसी थोड़ी ना 6 ब्रांच हो गई। और आप देखिए 6 ही चल रहे हैं, सही बात है। और स्टाफ मेरा जाने के बाद उसको बुलाया ना, नहीं था तो तुम आ जाओ, टाइम वो भी बोल रहे थे कि मतलब मना नहीं कर रहा था, करते हैं नहीं, मैं अच्छी बॉन्डिंग से रहती हूं, देखो मैं तो गाड़ी से बोल रहा हूं, गाड़ी से चल रहा हूं। कौन सी लाइट होती है वैसे? सो गाइस ऐसा था आज का पूरा दिन, मतलब ब्यूटी सर्विसेज लेते हुए ही सारा दिन निकल गया, एंड ऑनेस्टली बताओ तो बहुत अच्छा लगा। तो दीदी का नंबर भी मैं स्क्रीन में दे रही हूँ गाइस, ये कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ पहले के वीडियोस में जब मेरा हेयर कलर हुआ था। तो बाकी लिटरली बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, नंबर दे रही हूँ स्क्रीन में, अगर किसी को भी यहाँ पे ब्यूटी सर्विसेज की नीड हो तो बिल्कुल बेझिझक कॉल कर सकते हैं इन्हें और अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।